नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी दोपहर का 1:30 बजा है और मैं पहुंचा हूं भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में, और मैं पहुंचा हूं अभी बेंगलुरु स्टेशन पे। परसों रात में मैं बैठा था आगरा से 11 बजे, और अभी हम यहां पे 1 बजे हमें ट्रेन ने यहां पे उतार दिया है। तो अभी मैं हूं बेंगलुरु स्टेशन पे, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आज आपको दिखाने वाले हैं, 1983 में एक फ़िल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था कुली। और अगर हम इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में मुख्य रूप में नज़र आए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कादर खान और बहुत सारे कलाकार थे। इस फिल्म में एक गाना है जो गाने के बोल हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो दोस्तों वो जो गाना है, पूरा गाना इसी, यानी ये जो स्टेशन है यहीं पे वो गाना शूट हुआ है, और कुली फिल्म के कुछ सीन भी यहाँ पे फिल्माए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुली फिल्म की शूटिंग लोकेशन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ स्टेशन का नज़ारा, जिस पे आप देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है क्रांतिवीर संगोली राडयानम, ऐसे ही कुछ करके लिखा हुआ है। ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही है। और सामने लिखा है बेंगलुरु स्टेशन, और ऐसा कुछ नज़ारा है स्टेशन का। तो अभी मैं चलने वाला हूँ वहाँ पे, जहाँ पे यानी इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसी जो प्लेटफॉर्म है इसी पे उसकी शूटिंग हुई है। अभी हम आगे चलने वाले हैं और दिखाते हैं आपको वो जगह जहाँ पे फिल्म को शूट किया गया था। नहीं 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 ऐसे ही दोस्तों, गाने का एक सीन यहाँ से शूट किया गया है, जिसमें अमित जी जो होते हैं वो ये वाली एंगल पकड़ के खड़े हुए होते हैं। हालांकि ये उस टाइम पे लोहे की थी, और अभी इसको मॉडिफाई कर दिया है, और पीछे की बैकग्राउंड को आप मैच कर सकते हैं। ये वाली जो आपको दिख रही है टिन सेट, ये ऐसे ही थी। हालांकि उस टाइम पे इसका जो कलर था वो रेड कलर का था, और अभी क्या है कि ये ग्रीन कलर की है। और पीछे वाली बैकग्राउंड आपको सेम दिख रही होगी, और ये वाली जो चद्दर पड़ी हुई है ये भी आपको दिख रही होंगी। तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया गया है। दोस्तों मूवी का एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। और आप इन चीज़ों को मैच कर सकते हैं, ये जो छोटी छोटी बनी हुई है ना ये वाली, इन चीज़ों को आप मैच कर सकते हैं। और पीछे का नज़ारा यही था। हालांकि उस टाइम पे ये जो जाली लगी है ना, ये जाली नहीं थी, और जिससे पूरा सीन मैच हो रहा था यहीं से। तो हम आपको वो सीन भी अभी दिखाएंगे, जैसे कि लिया गया है सेम वही आपको मैच कराएंगे। तो यहाँ पे एक पुल बना हुआ है ना वो वाला उधर, तो उस पुल पे चलते हैं और वहाँ से वो नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ से आप एक बारी मैच कर सकते हैं, ये देख लीजिए सेम वो ही नज़ारा बनना है बिल्कुल। और एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो लाइट वाला खम्बा, इसको भी एक बारी मैच कर लीजिए, यही है पूरा नज़ारा यहीं से। सीन तो वहाँ से शूट किया गया है, हालांकि वहाँ पे अभी जालियाँ लगी हुई हैं, जिस वजह से मैं वहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ से शूट किया गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पानी की टंकी आपको दिख रही है, ये हालांकि मॉडिफाई कर दी है, उस टाइम पे यहाँ पे वाइट कलर की और टाइल्स लगी हुई थी, अभी क्या है कि ब्लैक कलर की हैं। और यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ़िल्म का पोस्टर लगा हुआ था। और ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन वाले पाइप, ये उस टाइम पे सेम वैसे ही थे जैसे कि आज हैं। तो यहीं पे बैठ के अमिताभ बच्चन जी हैं, जहाँ पे अभी जो पानी पी रहे हैं, ये जो बंदा पानी पी रहा है इसी टंकी पे वो पानी पीते हैं। और फिर एक सीन कुछ ऐसे लिया गया है जिसमें कैमरा इस प्रकार से एंगल किया गया है, तो वो जो पानी पीते हैं वो यहीं से दिखाया गया है। हालांकि पीछे की खिड़की दिख रही थी, पीछे वाला एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे खिड़की दिख रही थी, तो वो अभी दिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सामने ट्रेन खड़ी हुई है। और सामने यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 7। तो मैं आपको बता दूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो वो फिल्म वालों ने अलग से बोर्ड लगाया था। दोस्तों एक सीन गाने का यहाँ से शूट किया था,
जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह लाइन से सारे लोग बैठे हुए थे जो पानी से कुल्ला कर रहे थे। और पीछे वाला आप देख सकते हैं जो पुल है उसको देख सकते हैं, और ये वाली जो टीन थी पहले यहाँ तक थी, अब आगे तक है। और ये वाला जो जीना है, ये पहले सीढ़ियाँ ऐसे ही थी, अभी क्या है कि ये विद्युत वाली सीढ़ियाँ बना दी हैं, और सीन यहीं से शूट किया गया था। हालांकि आगे अगर जाएंगे थोड़ा सा तो वहाँ से थोड़ी लाइन मुड़ी हुई है, वो यहाँ से नहीं दिख रही है, उनके कैमरे में दिख रही थी और मेरे में नहीं दिख रही है, तो सीन वो यहीं से शूट किया गया था। दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा गाने के शुरुआत के सीन, जहाँ से गाना शुरू होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब गाना शुरू होता है तो एक ट्रेन आती हुई दिखती है, वो ट्रेन जो आपको दिखती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। हालांकि ये जो सीन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिल्माया गया है, तो मैं भी खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जहाँ पे ये सीन फिल्माया गया है वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी जो होते हैं वो भागते हैं, और उनके पीछे बाकी जो कुली लोग होते हैं वो भी भागते हैं, तो वो भी सीन यहीं पर फिल्माया गया है मेरे पीछे से, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों गाने के शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रेन आती है, तो ट्रेन यहीं से आती है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि उसमें एक मोर टाइप दिखती है, तो ये मोर है, और उसमें एक पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये वाला वो पेड़ था। हालांकि उस टाइम पे ये पेड़ बहुत छोटा था और अब ये बड़ा हो गया है, तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया है जिसमें ट्रेन आती है। और यहाँ पर एक बिजली का खंभा हुआ करता था जो बड़ा सा था, अभी क्या है कि उसको निकाल दिया है। उस टाइम पर जो ट्रेन थी वो कोयले से चलती थी, और अभी जो ट्रेन है वो विद्युत से चलती हैं, यानी बिजली से चलती हैं, तो सीन यहीं से शूट किया गया है। और उसके बाद जो अगला सीन लिया गया है वो यहाँ से आगे से लिया गया है, तो अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन जी हैं वो जब ट्रेन आती है तो फिर वो भागते हैं, तो वो वाला सीन है वो यहीं आगे से शूट किया गया है, जैसे कि अमित जी जो होते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर भागते हुए आते हैं आगे की तरफ। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ से अमित जी भागते हुए आते हैं, जिसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो जो सामने आपको दिख रहा है पुल जो लोहे का है, वो पुल भी आपको दिख रहा होगा, और अमित जी इसी ट्रैक पे दौड़ते हुए आते हैं, तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया गया था। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ से शूट किया गया है, जिसमें जो अमित जी होते हैं इस पर खड़े होते हैं यहाँ पर, और ट्रेन खड़ी होती है। हालाँकि ये जो ट्रेन थी वो उस ट्रैक पर खड़ी होती थी, और ये वाला ट्रैक खाली था, और पीछे की आप मैच कर सकते हैं, ये जो एंगल हैं ये इनको मैच कर सकते हैं। हालांकि ये जो जाली है ये बाद में लगा दी गई है, और जैसे आप देख रहे होंगे ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे आगे फिर ये ब्रिज नहीं है, तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया गया है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्टेशन से बाहर, और ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारे देश का फ्लैग, यानी हमारे देश का झंडा, और सामने इसी के ये बना हुआ है यहाँ पे बेंगलुरु स्टेशन, यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही मस्त सीन है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन से बाहर, और यहाँ पे जो फिल्म के सीन शूट हुए थे, यानी गाने के जो सीन शूट हुए थे, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा रामनगरम जहाँ पे शोले शूट हुई थी, और उसके बाद हम जाएँगे मैसूर, और मैसूर में मैं शूटिंग लोकेशन दिखाऊँगा, वहाँ पर भी बहुत सारी मूवियाँ शूट हुई हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगा ऊटी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।